एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो निजी सेवक या निजी उपस्थापक आनंद भिक्षु तथागत बुद्ध को प्रश्न करते हैं, वो भगवान ये पारमिता कितने समय तक पूर्ण करना चाहिए, या जो बुद्ध सम्यक संबुद्ध होने के लिए जो प्रार्थना करते हैं वहां से कितने समय तक ये पारमिता पूर्ण करना चाहिए, या कितना समय लगता है, कितना समय, किसी को लगता है ना 10 पारमिता बोले तो एक ही जन्म में या इतने साल में ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता। पाली त्रिपिटक में तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्धानं आनंद हे आनंद, ये बुद्ध जो है यथिम परिच्छेदेन चत्तारी असंख्यानी, या जो निम्न परिच्छेद से जो बुद्ध बनने वाले हैं वो 4 असंख्य 1,00,000 कल्प तक ये पारमिता पूर्ण करेगा, और जो मध्यम परिच्छेदेन मध्यम परिच्छेद से जो बुद्ध बनने वाले हैं सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं उसको उससे दुगुना 8 असंख्य 1,00,000 कल्प तक पारमिता पूर्ण करेगा। और तथागत बुद्ध कहते हैं उपरिम परिच्छेद या जो ऊपर या जो उत्तम परिच्छेद से जो बुद्ध बनने वाले हैं सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं उसको उससे भी और दुगुना मतलब 16 असंख्य 1,00,000 कल्प तक पारमिता पूर्ण करना चाहिए। अभी यहां मैं आप लोगों को कल्प के विषय में थोड़ा सा बताता हूं, ये कल्प कितना होता है, कितना लंबी समय होता है एक कल्प बोले तो। उदाहरण आया है विशेषतः ये म्यांमार परंपरा में, जो बर्मीज परंपरा में इसकी वर्णन या इसका व्याख्या बहुत आता है। जिस तरह एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो पहाड़ को 100 साल में एक बार जो कपास है ना कपास से पूछ ले तो उसको खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, या एक बहुत बड़े जगह पे हमने सरस्यू डाला, तिल का जो सरस्यू वो डाला और हर 100 साल में एक एक निकालते जाएंगे तो वो कब खत्म होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं वो कपास से किस किस के वो पहाड़ खत्म हो जाएगा, या 100 साल में एक एक जो फेंकते हैं वो सरस्यू खत्म हो जाएगा, मगर कल्प खत्म नहीं होता। और ये कल्प भी एक कल्प 2 कल्प 100 कल्प 1,000 कल्प 1,00,000 कल्प 10,00,000 करोड़ खरब जो गिनती करते 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 गिनती नहीं आता ना उसे असंख्य कल्प बोलते हैं। दीपंकर बुद्ध के सामने सुमेध तपस्वी ने जो बुद्ध बनने के लिए संकल्प किया, सम्यक संबुद्ध बनने के लिए जो नियत व्याकरण किया, तब से लेके बुद्ध बनने तक उन्होंने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमार्थ पारमिता, ये जो पारमिता है 4 असंख्य 1,00,000 कल्प तक उन्होंने पारमिता पूर्ण किया, तब जाके सम्यक संबुद्ध बने। अभी ये 4 असंख्य 8 असंख्य ये 16 असंख्य ये कैसे होता है, तो इसमें भी बुद्ध बनने वाले जो व्यक्ति है वो 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार से वो बुद्ध बनेगा या बुद्ध होने वाले व्यक्ति ये 3 प्रकार से बोधिचर्या करेगा। ये 3 प्रकार क्या है, 1 नंबर प्रज्ञाधिक, प्रज्ञा को अधिक से अधिक जोर दे के भी बुद्ध बनेगा। दूसरा है श्रद्धाधिक, श्रद्धा को अधिक से अधिक जोर दे के बुद्ध बनना। तीसरा है वीर्याधिक, वीर्य पराक्रम को अधिक से अधिक जोर दे के बुद्ध बनना। इसमें जो प्रज्ञाधिक बुद्ध है, प्रज्ञाधिक बोधिसत्व है, प्रज्ञा को अधिक से अधिक जोर दे के बुद्ध बनने वाले वो 4 असंख्य 1,00,000 कल्प में
बुद्ध बनेगा। दूसरा है श्रद्धा दिक, जो श्रद्धा को जोड़ दे के बुद्ध बनने वाले है वो आठ असंख्य 1,00,000 कल्प में बुद्ध बनेगा, पारमिता पूर्ण होगा। और जो वीर अधिक, वीर को अधिक जोड़ दे के बुद्ध बनने वाले है वो 16 असंख्य 1,00,000 कल्प में पारमिता पूर्ण करके बुद्ध बनेगा। ये तथागत बुद्ध ने कहा है, मतलब एक ही जन्म में या छोटे समय में यह पारमिता पूर्ण होगा ऐसा होता नहीं है। और यह बौद्ध साहित्य में जो बुद्ध बनने वाला बोधिसत्व है, मतलब सुमेध ऋषि से जब तक सिद्धार्थ बोधिसत्व बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बुद्ध नहीं बना, तब तक बोधिसत्व अवस्था है। मतलब बुद्ध बनने वाले व्यक्ति, बुद्ध बनने के लिए जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं उस व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व के विषय में भी पाली साहित्य में खूब सारे वर्णन व्याख्या हुआ है। मतलब जो बुद्ध बनने वाले व्यक्ति है, सुमेध ऋषि से सिद्धार्थ गौतम तक ये बीच में जो बोधिसत्व बनते हैं ना, वो जन्म से कभी भी अंधे नहीं होते, बहरे नहीं होते, पागल नहीं होते, मिथ्या दृष्टि नहीं होते, जो दोषी गर्भ है ऐसी जगह पे जन्म नहीं है होते, पंच महापाप, जो बड़े बड़े 5 महापाप है वो नहीं करते। पंच महापाप बोले तो माता की हत्या, पिता की हत्या, औरत की हत्या, जो दुख मुक्त हो चुके उसकी हत्या, बुद्ध के शरीर को आघात पहुंचाना, मतलब घायल करना, और संग भेद करना, ऐसे बड़े बड़े पाप भी कभी नहीं करते, ऐसे विविध विविध बातें भी वहाँ पे चर्चा हुआ है। फिर उसके बाद ये बोधिसत्व हमेशा हर जन्म में सभी प्राणियों को समान व्यवहार करते हैं, अपने परिवार जैसा व्यवहार करते हैं, सभी लोक धर्म को अच्छे से जानते हैं, हमेशा लोगों के हित और सुख के लिए चर्या करते हैं, और हमेशा इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं कि हर किसी के नज़र में आदर गौरव करने लायक या योग्य बनते हैं। ये बोधिसत्व के गुण है। उसके बाद जब से बोधिसत्व बन गया तब से ये 6 बातें हमेशा रहते हैं। मतलब हमेशा लोभ द्वेष मोह जितने भी ये दुर्गुण है उससे दूर रहने की कोशिश करना, हमेशा विवेकशील रहना, हमेशा लोभ को दूरी करके बैठना, द्वेष को या क्रोध को दूर करके बैठना, मोह या अज्ञानता को दूर करना, और संसार के जितने भी दुख है उससे दूर जाना, मतलब हमेशा यही कार्य में निरंतर अग्रगामी बनते हैं, ये बोधिसत्व। तो बोधिसत्व जो कुशल चर्या करते हैं, जो पुण्य कार्य करते हैं, उसी को पारमिता कहते हैं। बुद्ध बनने के लिए जो गुण धर्म चाहिए उसे पारमिता कहते हैं। जिस तरह कहीं पहुंचने के लिए हम रथ से जाते हैं ना, वैसे ही ये पारमिता भी निर्वाण पहुंचने के लिए या दुख मुक्त होने के लिए एक रथ समान है। जिस तरह एक नदी या एक सागर पार करने के लिए नाव लगता है, वैसा ही दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के लिए नाव समान है ये पारमी। और ये पारमी मतलब बोधिसत्व पारमिता भी पूर्ण करता है, उपपारमिता भी पूर्ण करता है, परमार्थ पारमिता भी पूर्ण करता है। मगर हम जैसे जो दुख मुक्त बनना चाहते हैं उन लोगों को निरंतर ये पारमिता पूर्ण करना चाहिए। साधु, साधु, साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।